अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु अला नबीही व अला आलिही व सहाबीही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही व इतरातिही व औलिया उम्मतिही अजमाईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کے درود پاک پڑھو صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آواز کھول دے یار کڑا اپریٹر آواز ذرا کھول دیو सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीयीन वाला अलिका वसहाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला अलिका वसहाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। محمد سید الکونین و ثقلین و الفریقین من عربی و من اجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال متهمی مظهر نور جمال مصطفی خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا مرحبا اے ساقی شیری لقا مرحبا اے ما و اومل جائمان شاہ باز لام کانی جانے ہو रहमत लिल आलमी दरशान हो रहमत लिल आलमी दरशान हो रहमत लिल आलमी दरशान हो। या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे का तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा मिलके कह लो या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा या मुस्तफा तेरे जया कोई नहीं किन्नु कवां तेरे जया आका तेरे जया कोई
ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕਾ ਤੇਰੇ दरूदे अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा इंतहाई काबिल कदर अजीज दोस्तों बुजुर्गो अज दिए महफल जिक्र बज़्म हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निकाद पजीरे जिन अंदर तुसी और मैं हाजिर हैं और बिलखसूस इस महफल दे बानियान जनाब साढ़े बुजुर्ग जनाब मुहम्मद तालिब साहेब और उन्होंने बेटे अल्लाह पाक उन्होंने इस काविश कबूल फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू तो पहले एक इंतहाई जरूरी जड़ी बात है वो करना चाहना। हूँ 10:20 हो गए मैनू हूँ इंतजामिया की तरफ हुक्म है भी तू 1.5 घंटा पढ़ना है साफ करिए हाँ पर 1.5 घंटा कितने बजता जाके किन्ने बजे बजना है जी 12 बजे ठीक है फिर शाह साहब का भी बयान है तो कोई 1.5 घंटा उन्हें भी लाना है मैं ये दसो ये जो बेचारे सुन आए ने इन का की गुनाह है यार टाइमिंग होती है मतलब एक नमाज हुई 3 घंटे गुजर गए 3 घंटे जिन्हां दोस्त अहबाब ने जिहड़े महफल करवांदे ने या जिन्हां नूं मुहब्बत है मुहब्बत सारिआं नूं ही लेकिन ये एक टाइम का थोड़ा जिहा ख्याल करा करो ते जे मैनूं पता है भाई आमर है फिर मेरे नाल नाराज भी होंदा तू थोड़ा पढ़िया यार मैनू पढ़न नाल मसला नहीं मैनू आ जिहड़े बेचारे दूरों नेड़े आके बैठे ने इन्हों का गुनाह की है कि एक बंदा 4 घंटे 5 घंटे मुसलसल बह जाए तो सुबह उठ के नमाज भी ना पढ़ीचे तो फिर मेरा मकसद फिर महफल का तो फायदा कोई ना होया इस वास्ते अगर सानू पढ़ाना होंदा है तो फिर अपनी महफल का थोड़ा जहा एहतमाम करके जरा टाइम नाल शुरू कर दे कोई इस्लाम भाई ठीक है कि नहीं नहीं मतलब हर बंदा इत्तेफाक रखता है मतलब 3 घंटे इशा दी जमात तो इन्हें गुजर गए ने ते हुण 1.5 घंटा मैनू है जी ते मैं इंशाल्लाह डरिया जे ना मैं 1.5 घंटा नहीं पढ़ता ठीक है मकसद ये कि यार आने वाले का भी जरा थोड़ा जहा ख्याल रखो कि इंता जड़े बेचारे थले बैठे ने सारे ही अलहमदुल्ला मेरे वास्ते साहबे कदर ने एहतराम मैं सारे की इज्जत करना अल्लाह पाक साढ़े सब का मामला आखरत च आसान फरमाए तुसी बड़ी मुहब्बत न बैठे हो ये भी एक प्यार की निशानी होती है ना एवं तो नहीं कोई बह रहा घंटा बंदा बिंदा दो बिंदा चलो ठीक उठ के घर चलेगा लेकिन इत्थे निगाहां जिहड़ियां ने मुंतजर भी वेखियां ने असां और असीं अलहमदुल्ला अपने नबी दी जात वास्ते आके बैठे हाँ कि हजूर खुश हो जाए इंतजामिया महफिल कराइए कि नबी पाक खुश हो जाए तुसीं आए हो हजूर खुश आ जाए तुसीं भी इंतजामिया देखो ना सारे ही इंतजामिया ने जड़ा आके बैठा है हजूर की महफिल जड़ा करवा रहा है सब का मकाम एक ही अल्लाह पाक सारे तौफीक ता फरमाए। लो जी मैं अपनी गुफ्तगू नू शुरू कर लगा
ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਦੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਨੀਯਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣੀਏ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੂਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦਰੂਦ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਕ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਰਗਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਗਲਬਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਗਲਬਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ, ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ। ਸਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਥਰਾ, ਸਵਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲ। ਕਲਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ, ਤੇ ਸਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਥਰਿਆ, ਸੁਥਰਾ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਲਬੇ ਲਦੀਖ। ਕਲਬੇ ਲਦੀਖ, ਲਾਮ ਦਾਲ ਯਾ ਖਾ। ਕਲਬੇ, ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਥਰਾ ਦਿਲ। ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਤੇ ਕਲਬੇ ਲਦੀਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕਲਬੇ ਲਦੀਖ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਲਬੇ ਲਦੀਖ ਉਹ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਡੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਲਬੇ ਲਦੀਖ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤੜਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਆਕਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਔਰ ਕਲਬੇ ਲਦੀਖ। ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵਰਿਆ ਦਿਲ, ਔਰ ਕਲਬੇ ਲਦੀਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤੜਪ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਸੀਬ, ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਮਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਜਦੋਂ ਗਲਬਾ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਗਾਲਿਬ ਆ ਜਾਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ,
ते फिर वो इश्क दे अंदर तब्दील हो जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी मोहब्बत ऐने ईमान है कि ये ऐने जिमें नमाज फर्ज है, रोजा, जकात, हज, ते एवें मोहब्बत रसूल भी की है फर्ज है, ऐने ईमान है, ऐने ईमान है। ते हजूर मोहब्बत के कुछ तकाजे भी होते हैं, मोहब्बत के कुछ तकाजे ने। और अच्छा दो चीजा ने, एक होंगे कि असी कही कि नबी पाक नाल सानू मोहब्बत है, और अलहमदुलिल्लाह साडा दावा है कि सानू आका नाल की है प्यार है, हजूर नाल मोहब्बत है, हजूर नाल इश्क है। ते एक नबी पाक फरमा दिन के ऐसाबी मैनू बड़ा चंगा लगता है, ऐसाबी नाल मैनू की है मोहब्बत है, ऐसाबी मेरा बहुत अच्छा है। जिहता दो ने, जिहता दो ने, जिस वक्त दो जिहता, एक वो एक जरा असी तवज्जो भाजी मेरे अल, एक जिहत वो कि असी कही कि असी नबी दे गुलाम हाँ, एक जिहत वो है कि जरा हजूर फरमा देने साडा गुलाम है। किनियां जिहतां? दो। हुण असां एक जिहत इख्तियार कर ली कि साडा दावा है कि असी नबी पाक दे गुलाम हाँ, अलहमदुलिल्लाह असी की हाँ नबी पाक दे गुलाम, हजूर नाल सानू मोहब्बत है। लेकिन दूसरी जिहत वास्ते सानू जद्दोजहद करनी पैगी, सानू कोशिश करनी पैगी कि उधर उसने आ जाए कि सानू तेरे नाल मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च सहाबी रसूल आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हजूर मैनू एक परेशानी, एक गम खादी जा रहा है, या रसूल्ला क्यामत वाले दिन हजूर इतनी मखलूक होएगी मैदान माशर के अंदर भी, जन्नत के अंदर भी इतना रश होएगा, तो या रसूल्ला जी उत्थे किसी गुलाम का तुहानू मिलन ते दिल कर पेगा तो हजूर फिर की करांगे? उन्होंने ये फिक्र ही नहीं कि होएगा कि, फिक्र सिर्फ एवं कि या रसूल्ला जदों असी तुहानू वेखना चाहवांगे, हजूर जदों साडा दिल करेगा हजूर तुहाडे दीदार ते, तो हजूर असी की करांगे? मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया सहाबा अगर मैनू लभना होगा तो तीन जगह ते होवांगा मैं। किनिया जगह ते? तीन जगह ते। फरमाया सब तो पहला फरमाया मैं उस मकाम ते खड़ा होवांगा जिथे मेरे उम्मतियां दे नामे अमाल दिते जाएंगे, रजिस्टर हथां दे विच फड़ाए जाएंगे। ते फरमाया अगर उथे ना मिलिया ते फिर जिथे तोल लगा होएगा ना, तकड़ी होएगी, जिथे अमल तोल दे होंगे, फरमाया मैनू उथे वेख्या जे। दूसरी तीसरी बात मेरे आका ने फरमाया जे मैं इन दो जगह ते ना मिला ते फिर सरकार फरमांदे ने फिर की करया जे, हौज़े कौसर ते आ जाया जे। हौज़े ए हुण इत्थे वेख्या जे, ए जिस सहाबी रसूल ने सवाल किया है उन्हां नूं हजूर नाल मोहब्बत भी है, इश्क भी है, ते उन्हां दा कलबे सलीम भी है ते कलबे लदीख भी उन्हां दे विच, कि हशर दा मैदान है, लोग अपने अपने टिकाने लभदे होणगे जन्नत विच, तू तेरा ऐ मकाम है, तेरा ऐ मकाम है, लेकिन खुदा दी कसम कुर्बान जावा उस आशिक तो जिन्हें अपने मकाम दी कोई परवाह नहीं की, अर्ज़ की सोनिया मेरी ते तवज्जो दा मरकज हजूर तुसी हो, क्यामत दा जदों दिन होगा हजूर हर बंदा नफसी नफसी दे आलम दे अंदर मुब्तला होगा, हजूर जदों आशिक दा दिल करेगा हजूर तुहानू वेखण ते कित्थे मिलोगे? मेरे आका ने फरमाया आशिको घबराया जे ना, तीन मकाम ते मैनू लभ लिया जी, मैं उत्थे ही होवांगा। ते दूसरा हजूर जदों आका नाल मोहब्बत होंदी है ना, मैं गल
बड़ी सोच समझ के अर्ज कर लंगा। जिन्हों आका नल मुहब्बत होंदी है ना, फिर बंदे दे अंदर एक तूफान बरपा होंदा है, एक कैफियत बरपा होंदी है। आओ अज मैं एक ऐसे सहाबी रसूल दा वाकया तुहानू अर्ज कर दें, रूह तड़प उठेगी, ईमान ताजा हो जाएगा। उस सहाबी रसूल के जिन्हां ने इश्क और मोहब्बत की एक मिसाल कायम की और अपने आका की बारगाह च वह मकाम पाया जड़ा किसी नूं भी नहीं नसीब होया। सारे जरा मिल के दुरूद पाक पढ़ो। एक किताबे उस्तुल गाबा फी मारिफती सिहाबा, उन्हां दे अंदर एक खुश नसीब सिहाबी दे एक बात है। नबी पाक दे सिहाबी सन हजरत जुलैबीब, की नाम सी? जुलैबीब। कद दे छोटे सन, रंग सांवला सी, ते नबी पाक दी बारगाह च रहिंदे सन, दिने भी उत्थे रात भी उत्थे, ते सारा टाइम यानी सुफा दे मदरसे च हजूर जिथे बैठ के अपने सहाबा नूं कीमती मोती बखेरदे सन, उत्थे सारा दिन रहना, ते परेशान सन थोड़ा जिहा, कद छोटा सी, ते परेशान सन के शादी नहीं हो रही, उम्र भी ज्यादा हो गई, रंग भी उतों सांवला ते कद भी, ते फिर कोई पैसा पूसा भी कोल कोई शह। एक दिन मस्जिद नबवी दे अंदर इंज सिर झुका के बैठे ने, परेशान ने, सोचते पे ने अपनी शादी दे मुतालिक, ते मेरे करीम आका दी जात कुर्बान जावां, सरकार तशरीफ ले आए ना, ते आपने फरमाया ए जुलैबीब किवें बैठे हो? इंज करके सरकार ने इंज वेख्या, हजूर खड़े सन चुके, हजरत जुलैबी बैठे सन, ते इंज करके वेख्या ना कुर्बान जावां उस वेखनी तो भी, ते सरकार ने फरमाया मैनूं लगदा है जिवें तू शादी दी वजह तो परेशान है। अह जी नहीं, नबी इल्मे गैब नहीं जानदे। उस सरकार ते दिल दे विच छुपियां जड़ियां साड़ियां बातां ने अल्लाह दे महबूब दे ओ भी सामने। मेरे हक्का ने फरमाया जुलैबीब लगदा है तू शादी दी वजह तो परेशान है। अह यार सुला बिल्कुल हजूर को मेहरबानी फरमाओ। आपने फरमाया चलो ठीक है, फरमाया ठीक है तेरी कर देने शादी, तेरी की कर देने शादी कर देने। कुर्बान जावां मेरे आका ने ऐसी दिल जोई फरमाई, ऐसी दिल जोई फरमाई। थोड़ी देर तो बाद हजरत जुलैबीब के कुछ रिश्तेदार सन दूरों नेड़ियों, एक अंसारी सहाबी नबी पाक की बारगाह च आ गए, अर्ज की या रसूल मेरी एक जवान बेटी है, हजूर वो मैं तुहाड़ी झोली च पाना, हजूर उनका रिश्ता तुसा ही करना है, हजूर घर के अंदर जवान बेटी है ते हजूर तुहाड़े सुपुरद है, हजूर उनका रिश्ता तुसा ही करना है। ते उधर सरकार ने फरमाया सी जुलैबीब नु, फरमाया तेरा काम हो गया है, हाले उन अंसारी सहाबी आए नहीं, ते थोड़ी देर तो बाद जो अंसारी सहाबी आए ना मेरे आका दी बारगाह चा के अर्ज की के यार सुला मेरी जवान बेटी है ते हजूर मैं रिश्ता करना चाहना, ते सरकार ने उन्होंने फरमाया जा ठीक है चला जा तेरा भी काम हो गया। हुण उधरों हजरत जुलैबीब का भी सौर गया, उधरों ओ अंसारी सहाबी जेडे हजूर की बारगाह च आए सवाली बन के, सरकार ने उन्होंने भी फरमाया भी तेरा भी काम हो गया। ते एक दिन सरकार ने बुलाया हजरत जुलैबीब, आपने फरमाया जुलैबीब इधर आए ना, फरमाया इंज कर फलां फलां सहाबी दे घर चला जा, बस जाके इन्ना कह दी कि मैनू नबी पाक ने भेजा। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात आपने जाके दस्तक दी उस अंसारी सहाबी दे बूहे ते, ओ अल्लाह पाक ने बड़ा उन्होंने नवाजिया सी, उन्होंने अंदर बिठाया चाह पानी पिलाया,
ते नबी पाक दा पैगाम दे दिता, वह भी समझ गए कि यह किधर आए ने। ते उधर जाके वह अंसारी सहाबी ने अपनी बीवी नाल मशवरा किया। तवज्जो है, तवज्जो रखिया जे, मशवरा किया। ते हुण जिहड़ियां तुहानूं पता है जिहड़ियां मावां हुंदियां ना, यह बड़ियां सेंसिटिव होंदियां ने, हसास होंदियां ने इस तरह के मसलों के अंदर, खास करके बेटियां का जिथे करना कराना हो ना, बड़ा मतलब है कि हिसाब रख दियां ने। ते ओ उन्होंने आख्या इंदे नाल, क्या मैं नहीं करना, मैं तो नहीं ये काम करना, कद भी छोटा, रंग का भी सामला, ते अगा पिछा भी कोई नहीं, ते और हालत भी वाकई एवं सी कि तीन तीन दिन खजूर दियां गुटलियां चूस के ते अपना गुजारा कर दे। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला उन्हां दी ज़ात ने जिसले गुफ्तगु सुनी कि बीवी नहीं मन्नी, आप बारो बारी उठ के ना निकल आए भी इत्थे गल बननी, ते उधरों कुरबान जावां। जिसले ओ मां और बाप दोनों का मुकालमा ती बेटी ने सुनिया, ते बेटी ने सुन के जिस वक्त बात नू महसूस किया ते पर्दे चो बाहर निकल आई, कहन लगी मां तू मन या ना मन, मैं जुलैबीब नू नहीं वेखिया, लेकिन खुदा दी कसम फरमाया कि मैनू रिश्ता मंजूर है, मैं आने वाले नू नहीं वेखिया, मैं भेजन वाले नू वेखनी आ। जिस वक्त इतनी बात हुई, हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात उठ के आ चुके सन नबी पाक दी बारगाह आलिया दे अंदर, ते उधरों अंसारी सहाबी भी मगर, अंसारी सहाबी भी मगर, ते जो अंसारी सहाबी भी नारा तकबीर, बस बस मैं बात शुरू करा जी। हजरत जुलैबीब हाले पहुंचे ही नहीं, ते मगर ओ अंसारी सहाबी भी अल्लाह दे महबूब दी बारगाह च हाजिर हो गए। तवज्जो है, जो हाजिर होए ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च, यानी हाले हजरत जुलैबीब ने अपना मौकफ नबी पाक दी बारगाह च पेश नहीं किया, ते जल्दी नाल अगे हजरत जुलैबीब ने पिछे अंसारी सहाबी ने ते हाथ बन दिते कि सोनिया मैनू रिश्ता मंजूर है, यानी कि उन्होंने ये सी कि जे अगर ये बात हजरत जुलैबीब ने नबी पाक दी बारगाह च अर्ज कर दी ते कम दुनिया भी गई आखरत भी गई, ते उन्हां तो पहले ही सरकार दी बारगाह च आख्या सोनिया मैनू रिश्ता। अगो मेरे आका दे जुमले सुनिया जी, आपने फरमाया रिश्ता मंजूर किने कीता है, मंजूर ते बेटी कीता सी ना, कि जिन्हें आख्या सी कि मैनू आने वाले नाल कोई गरज नहीं, मैनू भेजने वाले नाल गरज है। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात अगे खड़े ने, अंसारी सहाबी पिछों ही आखी जांदे ने, या रसूल अल्लाह मैनू रिश्ता मंजूर है, मैनू रिश्ता मंजूर है। जिस वक्त मेरे करीम आका दी ज़ात ने बात सुनी ते आपने फरमाया ये रिश्ता मंजूर किन्ने कीता है, ते अर्ज कीती सोनिया मेरी बेटी ने कीता है। ते उस वक्त मेरे आका ने आसमान वाले हाथ उठा के दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरी इस बेटी वास्ते, या अल्लाह आसमान तो आपने रहमत दी बारिश दे जेड़े दरवाजे ने, फरमाया मेरी बेटी दे खोल दे, और फरमाया इन्हें सारी जिंदगी आसानियां अता फरमा। और मदीना पाक के अंदर ओनी खुशहाल और कोई औरत नहीं सी जिन्नी हजरत जुलैबीब दी बीवी खुशहाल हुई। लो जी रिश्ता हो गया, जो रिश्ता होया ना तो मेरे करीम आका दी जात ने आपने फरमाया हाँ भी जुलैबीब हुण तैयारी करो, की करो शादी की तैयारी करो, यानी पंजाब अपना असी अपने माहौल ना कह लिए शॉपिंग करो जी। अर्ज की सोने मेरे को शाही कोई नहीं, इधरा जुमलिया गौर करो, अर्ज की यार मेरे को ते आपने फरमाया कोई बात नहीं, इंज करो जल्दी करो जाके उस्मान को चले जाओ, मेरे
उस्मान को चले जाओ ते जेड़ी गल मेरे इस अंसारी सहाबी दे घर जाके कीती सी ना कि मैनू नबी पाक ने भेजा है ओहो गल जाके हजरत उस्मान गनी नू कह दे बस इना कह दी कि मैनू नबी पाक ने भेजा ओ हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात आप गए ते जाके हजरत उस्मान नू मिले ही ने ते जाके फरमाउन लगे कि उस्मान मैनू नबी पाक ने भेजा है मैनू वह भी हजूर दे गुलाम सन इंज दोवां जेबां विच हाथ मारे जो कुछ है कढ़ के ना हजरत जुलैबीब नू दे दिता फरमाया लो जी जाके खरीदो फरोहत करो जेड़े घट जान दोबारा मेरे को आके ले लिया जे मेरे को आके हुण तुसीं एक गल दसो जिस वक्त बंदे दे दिन पै हुण और शादी बिलकुल करीब हो गए बंदे दे दिल च अरमान ते हुंदे ने कई कि मैं इंज दे कपड़े पहने ने इंज करांगा इंज करांगा इंज करांगा जो भी मतलब एक जरूरियात जिंदगी है अज़दवाजी जिंदगी वास्ते हुन हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात बड़े खुश खुरम बड़े खुश खुरम कदी इधर जा रहे ने चीज़ा खरीद रहे ने कदी इधर ते बड़े खुश ने बड़े खुश ते आप ही होना सी यार एक रिश्ता ओ जेड़ा मैं तुसी तय कर दियो एक रिश्ता ओ जेड़ा मेरे आका ने तय फरमा दिता ते जिस वक्त दुकाना तो चीजा लै रहे ने खरीदो फरोख्त कर रहे ने ते उधरों अचानक मुनादी आ गई आवाज देने वाले ने आवाज दे दी कि काफरा ने हमला कर दिता है ते जल्दी नाल जंग की तैयारी करो शापर खरीदो फरोख्त वाले हाथे च ने उवें उत्थे हर शै छड़ दित्ती ए भी नहीं आख्या भी मैं घर रखावां ते ए भी नहीं सोचा यार चलो कोई नहीं बाकी सहाबा चले जाएंगे मेरी तो कल परसों शादी है एक गल नहीं कीती ए भी नहीं सोचा जिस वक्त गल सुनी हर शै उत्थे छड़ी ते सीधा ही उत्थों अपना जंगी हथियार लैके मैदान जंग उतर के जाके जिस वक्त मैदान जंग दे विच उतरे किसे सहाबी नूं नहीं पता कि जुलैबीब भी जंग च आए ने ते सब तो पहले जिथे काफरां दा मेजर मोर्चा सी उथे जाके अंदर दाखल हो के जाके उथे आपने अपने तलवार दे वारा नाल उहनां नूं वासले जहन्नुम कीता आखिरकार जंग फतह हो गई ते जंग फतह होण तों बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा ने सहाबा दीआं लाशां जदों आ रहीआं ने हजूर लैन लगवा रहे हैं ते आहे यार सुल्ला चलिए आपने फरमाया नहीं तुसी जान क्यों लगे जे यार सुल्ला बंदे पूरे हैं लाशां भी पूरियां ने जिन्ने असी लोग आए सन तुहाडे नाल लाशां भी पूरियां ने जिहड़ियां लाशां ने वह भी गिनती हो गई ने बाकी असी सारे जिन्ने मदीने तो आए सन सारे आपने फरमाया मेरा जुलैबीब रहिंदा जे हले मेरा जुलैबीब रहिंदा जे आहे यार सुल्ला ओते आया ही नहीं ओते शादी दियां तैयारियां ते इधर लगे सन आपने फरमाया नहीं मैं खुदा दी कसम फरमाया मैं रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना मैं जुलैबीब दे नारे सुनदा रहा फरमाया मैं अपने जुलैबीब दे ओ नारे सुने ने फरमाया ना 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 लिया लब के जुलैबीब किथे जे फिर तलाश शुरू की तलाश किया हत्ता के नबी पाक नू आके सहाबा ने दसा कि हजूर जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला नू लाश मिल गई ते लाश किवें मिली सत काफर उत्ते सन ते आप दी लाश मुबारक किथे सी थल्ले सी जिस वक्त लाश मुबारक कढ़ी ना ते दूसरे जिन्ने भी लोग आ रहे सन ना जिहड़ियां लाशां सरकार लैना लगवा रहे सन ते जदों हजरत जुलैबीब दी लाश आई है ना ते सरकार ने फरमाया उरा लैके आओ इंज मेरे आका ने अपने हाथ मुबारक फैला दिते फरमाया इनू
इधर ले आओ। सहाबा कराम इस पुरकैफ मंजर नू देख रहे ने, पुरसोस मंजर नू देख के सहाबा कराम बड़े आप दीदा हो रहे ने कि सारे सहाबा दी लाशा आईया ने, लेकिन सरकार ने जुलैबीब की लाश नू फरमाया इन्हों इधर लेके आओ। तो मेरे आका ने आप दी लाश मुबारक अपने इन बाजुआ ते रख के आप दे सिर दे विच हाथ फेरिया, जिहड़ी मिट्टी सी मेरे आका ने साफ की, फरमाया आप दे चेहरे ते हाथ मुबारक फेरिया। तो मेरे आका ने फरमाया जल्दी नाल जुलैबीब की तकफीन करो, कफन दफन का इंतजाम करो। तो सरकार दीआं अखां दे विच आंसू। इस हदीस की शरह दे अंदर बुजुर्गों ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाया अज लोग नबी पाक सरकार दे सहाबा दे दौर दे अंदर कई सहाबा उस हैं जिन्हें नबी पाक दियाँ चादरां मुबारक दियाँ कतरां लै के अपनी कबर च रखियां कि बख्शिश हो जाए। तो फरमाया उस सहाबी का की आलम होएगा कि जिंदे वालां दे विच मेरे आका ने आप मट्टी जिंदे च कढ़ी होगी। कुरबान जावां। अच्छा उत्थे सरकार आप दीदा ने ते जदों जनाजा जा रहा है ना, यह बड़ी तवज्जो तलब गल जी, जनाजा जा रहा है ते मेरे आका ना पैर संभाल संभाल के रख रहे ने, हालांकि राशि ना है ही नहीं सी। ते जिसले कबर ते कोल गए ने ते हजूर जनाजे तो कबल और जनाजे के दौरान हजूर आप दीदा सन, कबर ते गए ने हजूर खुश हो रहे ने, अखां च आंसू वे चेहरे ते मुस्कुराहट। अजीब समा। एक सहाबी रसूल ने इस बात नू नोट कीता, वक्त गुजर गया ते पुछया के या रसूलल्लाह मैं दो चीज़ां नोट कीतियां ने, जिस वक्त तुसी जलैबीब दे जनाजे ते सो उस वक्त तुसी आप दीदा सो, लेकिन जो कबर ते था हुज़ूर तुसी तशरीफ ले आयो ते या रसूलल्लाह समझ नहीं आई, मुस्कुर ओ मौका मुस्कुरान दा नहीं सी हुज़ूर, लेकिन तुसी मुस्कुरा रहे सो। आपने फरमाया पहली गल सुन, आपने फरमाया जड़ा मैं जनाजे च कदम संभाल संभाल के रखदा सा ओ खुदा दी कसम अल्लाह दी जात दे फरिश्ते जमीन ते आके जुलैबीब दे जनाजे च शामिल हो गए सन, और फरमाया तिल रखन नु जगह नहीं सी लभदी पई, इस वास्ते मैं भी पैर संभाल संभाल के रखदा, और फरमाया जिस वक्त कबर के उत्ते मैं मुस्कुरा इस तो रहा सा, फरमाया कि जुलैबीब ने दुनिया ते एक बीवी छड़ी शादी सी, सोच सकता सी कह सकता सी कि मैं ना भी जावा कोई बात नहीं, लेकिन किसे गल दी परवाह नहीं की थी, बल्कि यही कीता कि एक तेरे दम बदले सजना असा तोड़ नहीं पाई, लै सजना असा तोड़ नहीं पाई, लै सजना असा तोड़ नहीं पाई, ते जान तेरे ना लाई, लै सजना असा तोड़ नहीं पाई, ते जान तेरे ना सारी
सजना असा तोड़नी बाई लै सजना असा तोड़नी बाई ते जान तेरे ना लाई लै सजना लै सजना असा तोड़नी बाई ते जान तेरे और सरकार ने जेड़े अल्फाज फरमाए जेड़े इमाम हसन नु सरकार ने अल्फाज फरमाए सन के फरमाया के हसन मेरे विचों और मैं हुसैन विचों खुदा दी कसम मुस्लिम शरीफ दी हदीस है सेम एहो अल्फाज मेरे आका ने फरमाए फरमाया मैं जुलैबीब विचों और जुलैबीब मेरे विचों है और फरमाया के खुदा दी कसम फरमाया के जन्नती हूरा आपस दे विच लड़दियां पईयां ने कि मैं जुलैब दी बीवी बनना कोई कहंदी मैं बनना लेकिन हुण तुसीं इह वेखो जिहड़ा बंदा हजूर दी मोहब्बत दी खातर मैदान जंग च उतर गया हजूर दी इज्जत दी खातर मैदान दे विच उतर गया हजूर दे इश्क दे अंदर मैदान दे अंदर उतर गया और फरमाया कि जिस वक्त फरमाया एक गल और कि हजरत जुलैबीब जिस वक्त मेरे आका ने कब्र च उतारिया है ना हाय हाय अज असी हसरत रखने ना आरजू करने कि हजूर कब्र च आ जा हजूर कब्र च आ जा लेकिन कुर्बान जावा जिस शहीद की कब्र ते बह के मेरे आका आंसू बहा रहे हैं दुआ करो यहोजी मौत सारिया नू आ जाए ओ सैयदा आयशा सिद्दीका हजूर का जो विसाल होया एक औरत सैयदा आयशा सदीका दी बारगाह च आईया ते आके अर्ज कीती के ऐ आयशा मैं कब्रे नबी दी ज़ियारत करनी है कब्रे नबी दी मैं ज़ियारत करनी है ऐ आयशा मैनू इजाजत है कि मैं पर्दा उठा के पर्दा क्योंकि वो हजूर दे विसाल तो बाद चादर तान दित्ती सी ना आप दे रोजा मुबारक दे इर्द गिर्द इजाजत लई कि मैं ऐ उम्मुल मोमिनीन मैं जरा चादर हटा के हजूर दी कबर दी ज़ियारत करना चाहनी हूँ सैयदा आयशा सदीका फरमांदियां ने थोड़ी देर गुजरी ते हाले ओ ना वापस ना आई ते मैं जिस वक्त जाके वेखा ते रूह कफे अंसरी च परवाज कर चुकी सी यार इहो जी मौत कुर्बान जाइए हसरत है या इलाही हसरत है या इलाही हसरत है या इलाही जब जान तन से निकले निकले तो या मुहम्मद निकले तो या मुहम्मद निकले तो या मुहम्मद कह कर से निकले निकले तो या मुहम्मद निकले तो या मुहम्मद कह कर बदर से निकले दुआ मंगो निकले तो या मुहम्मद निकले तो या मुहम्मद कह कर बदर से निकले या मुहम्मद निकले तो या मुहम्मद कह कर बदर से निकले निकले तो
या मुहम्मद कह कर बदन से निकले हसरत है या इलाही हसरत है या इलाही जब जान तन से निकले निकले तो या मुहम्मद निकले तो या मुहम्मद कह कर बदन से निकले। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात ने जड़ा कल्बे लुदैख की बात की थी, आपने फरमाया आशक बंदा ओए कल्बे लुदैख ओंदा ही है जड़ा मरते वक्त भी जिनियां निगाहां हसरत मुस्तफा दे अंदर इंज तारे लगी होन के किदो हुजूर आ जान किदो मेरी जान निकल जाए। हसरत है या मिलके कह लो हसरत है या इलाही हसरत है या इलाही हसरत है या इलाही जब जान तन से निकले निकले तो या मुहम्मद निकले तो या मुहम्मद कह कर से निकले निकले तो या मुहम्मद निकले तो या मुहम्मद कह कर बदन से निकले निकले तो या मुहम्मद। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते ने कल्बे लुदैख ओंदा ही कल्ब एक जिंदी रूह जिंदी परवाज दे वक्त जिंदगी और मौत दी कशमकश दे वक्त जिंदियां अखां तारे लगियां होन कि केड़ा वेला होवे ते सोना दीदार करवा दे। और आपने फरमाया है हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात, आपने फरमाया कल्बे सलीम भी मंगया करो ते कल्बे लुदैख भी मंगया करो। यानी कि हुन समझ आ गई। और हजूर ये मामूली बात नहीं, अज खुदा दी कसम मैं वेख्या कई लोग इस हसरत च मर गए मेरी जायदाद का की बनेगा, कई लोग इस हसरत च मर गए ओ मेरे बाद मेरे कारोबार का की बनेगा, कई लोग इस आड़ दिन तक चले गए मेरे बाद मेरी औलाद का की बनेगा। लेकिन खुदा दी कसम आशिक जिदों भी मरे आए ओ इस नीयत ते मरे आए और वो इस ख्वाहिश ते मरे आए कि केड़ा हो केड़ा वेला हो। अल्लाह अकबर। खुदा वंदा जड़े वेले मरा मैं, खुदा वंदा जड़े वेले मरा मैं, रसूलुल्लाह करा मैं, रसूलुल्लाह करा मैं, रसूलुल्लाह करा मैं। खुदा वंदा जड़े वेले मरा मैं, रसूलुल्लाह करा मैं, रसूलुल्लाह करा मैं। खुदा वंदा जड़े वेले मरा मैं, रसूलुल्लाह करा मैं, रसूलुल्लाह करा मैं, रसूलुल्लाह करा मैं। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, फानी जिंदगी कुर्बान मेरी, फानी जिंदगी कुर्बान मेरी। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी।
غازی علم الدین بلکہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ مجاہد ناموس رسالت آپ جدوں جیل دے وچ آخری ملاقات کروائی نا جدوں سپریڈینٹ نے گھر والے بھی سن بیوی بھی سی بچے بھی سن سارے رشتہ دار بھی سن تے جدوں آخری معانکا کیتا نا جفیاں پائیاں بھراواں نال وی ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰ ਪਏ ਇਹ ਸਫਰ ਹੈ ਕੂਵੇ ਜਾਣਾ ਯਹਾਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਬੁਲਾਏ ਜਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਯਹੀਂ ਸੇ ਲੌਟ ਜਾਏ ਆਪ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ आप पिछा मुड़ के नहीं वेखते पिछा पिछा मुड़ के हाय हाय यार होंगे मिलने गए आपे दिलां नू ठिकाने रखिए दिलां नू ठिकाने रखिए यार होंगे मिलने गए आपे ਆਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ 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 ਬਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਰੱਖੀਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ यार होंगे मिलन गए आपे दिलां नू ठिकाने रखिए एक पासे बेटा खड़ा है बीवी खड़ी है भाई खड़ा है बाप खड़ा है हत्ता के अजीजो अकार खड़े ने आख्या अमदाद पिछा मुड़ के देखी गल सुन नाराज हो गया आख्या ना मैं तुहानू वेखा के सामने खड़े अपनी अखां नू वेखा फरमाया आका इंतजार में करते ने दिलां नू ठिकाने रखिए दिलां नू ठिकाने रखिए कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे मौला मेरी पार चा करे कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे मौला मेरी पार चा करे कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे मौला मेरी पार चा करे यार होन के मिलन गए आपे दिलां नू ठिकाने रखिए दिलां नू ठिकाने रखिए दिलां नू ठिकाने रखिए दिलां नू ठिकाने रखिए यार होन के मिलन गए आपे दिलां नू ठिकाने रखिए दिलां नू ठिकाने रखिए यार होन के मिलन गए आपे दिलां नू ठिकाने रखिए कच्चे कड़े दी बेड़ी मौला मेरी पार चा करे 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 कच्चे कड़े दी बेड़ी।
मौला मेरी पार जा करे यार ए यार होन गए मिलन गए आपे यार ओ पिछा अल्लाह अकबर पिछा किवें मोड़दे किवें वेखदे जदो सामने रुखे मुस्तफा होवे ओ यार एहो जी फांसी एहो जी मौत ते आशिक ते हस के कबूल कर दे यार हाय हाय एक मैं ऐसे ही बात नु हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अनु दी जात ने बयान फरमाया है कि ए वे कल्बे लुदैख यानी मौत दे वक्त अखा मुस्तफा नु लब दिया होन कितना कह दे ते किवें वेख दे एक पासे बीवी बच्चे भाई बाप और पैना पाई तमाम रिश्तेदार आख्या मुमताज पिछा मोड़ के वेखते सही ते यकीनन खुदा दी कसम कहंदे ते उनके काबा जान मई वाल नु मैं नीत बैठी काबा जान मई वाल नु मैं हो नीत बैठी जो कायनात दा दुल्हा फरमाया मेरा इंतजार कर रहे हैं और यार खुदा दी कसम आज लोग बड़िया बातां कर देने नमूसे रिसालत ए साड़ी जिंदगी दा अहम तरीन मौजू है साड़ी जिंदगी दा अहम तरीन असूल है कि नमूसे रिसालत इस कायनात दा जामे मसला है आज जेड़ा बंदा और उस वक्त भी तवज्जो मेरे लिए उस वक्त भी कई लोगों ने मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे बड़ी बकवास की थी ये साड़ा दजाली मीडिया इन्हें भी बड़ी बकवास की थी साढ़े कई लिबरल लंडे दे अंग्रेज उन्होंने भी कई बकवास की थी लेकिन यार ये तो हजरत जुलैबीब की लाश ने दस्या ना कि नबी पाक ते कुर्बान होने वाले नाल सरकार कितना को प्यार कर दे ओ कितनी को दिल जोई कर दे यार हजूर दुनिया ते भी दिल जोई फरमांदे ने हजूर आखरत दे अंदर भी दिल जोई फरमांदे और कब्र दे अंदर भी हजूर दिल जोई फरमांदे खुदा दी कसम ए ता दिल जोई है ना मरदे वक्त मेरे करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह च एक अंगूरा दा गुच्छा आया तवज्जो मेरे ने अंगूरा दा गुच्छा आया अगे जिम्मे मिसाल के तौर अंगूरां दा गुच्छा मेरे आका करीम की बारगा च आया यानी नवा फल सी एक सहाबी रसूल ने थोड़े जलाए सन होए तो उन्हां दी दिल कीता चाहत सी कि मैं हजूर की बारगा च पहला फल पेश करा सरकार ने कबूल फरमाया हुण सहाबा वेखदे ने पै कि नबी पाक नाले उन्दे नाल गुफ्तगु फरमा रहे ने नाले एक एक दाना तोड़ के खा रहे ने बड़ी अजीब बात है सहाबा फरमाते ने अगे खजूर आदियां सन कोई चीज हजूर तकसीम फरमा दे सन लेकिन अज ऐसा नहीं हो रहा
बड़ी बड़ा ताजुब होया। वक्त मिलिया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ने आप नूं पुछया गया, या रसूलल्लाह हजूर अगे ते तुसी चीजां तकसीम फरमा के ते एंड ते आप खांदे सुते, अज अंगूर लगदा कोई बड़ी मजेदार सन जिहड़े हजूर कल्ले ही खा गए। मेरे आका ने फरमाया नहीं, बात ये नहीं, मजेदार होने की वजह तो मैं कल्ले नहीं खाते। फरमाया अंगूरां दे विच हले खटास बाकी सी, किसी खटास बाकी सी, ते फरमाया खटास बाकी सी इस वास्ते तुहानू मैं अगर देंदा ते तुसा अपने चेहरे नूं मुतगय्यर करना सी, तुसा इंजन खट्टा लगता है जिस वक्त ते बंदे दे स्टाइल बदल जाता है, चेहरे का चेहरे की हैबत या चेहरे की हायत बदल जाती है। मेरे आका ने फरमाया तुसी उन्दे सामने इंज करना सी कि वह बड़ा खट्टा है, ते फरमाया कि उन्दा दिल टुटना सी, इस वास्ते खट्टा ज्यादा सी मैं कल्ले ही खा लिया है ताकि उन्दा भी दिल खुश हो जाए, उन्दा भी दिल खुश हो जाए। ते हुण तुसी वेखो कैसी अजीब बात है कि सरकार ने यह नहीं फरमाया हो ये तो बड़े खट्टे ने, ये तो बड़े खट्टे ने, हजूर ने खुद बर्दाश्त खटास में बर्दाश्त कर लिया। और वैसे मेरा अपना ईमान है कि खट्टे जरूर सन, लेकिन जो मेरे मुस्तफा दे लुआबे दहन वाले यार अगर खूह च मेरे आका अपना लुआब सटन तो वह मिठा हो जाए तो अंगूर खट्टे किवें रह सकदे। तो जिस वक्त मेरे करीम आका दी जात ने सहाबा नूं दसी ना वजाहत, बड़े हैरान हुए कि हजूर इतनी इतनी दिल जोई फरमाई। आओ किले वाली सरकार दी एक बात मैं अर्ज कर दिया, दिल जोई दे हवाले नाल कि हजूर कितनी दिल जोई फरमांदे हो दस्सो। छोटी सरकार ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गुलाम मुर्तजा आप दे लखते जिगर ख्वाजा आलम पीर नूर मुहम्मद फनाफे रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दे एक गुलाम सन चौधरी सराज दीन इछरे दे ना रईस आजम सन, यानी के अमीर तरीन शख्सियत सन चौधरी सराज दीन। एक सरकार दे वड्डी सरकार दे गुलाम सन मोहम्मद दीन गाडी, उन्होंने सरकार नो सरकार सराज दीन अले चौरी अले गए सन, ते मोहम्मद दीन गाडी नो पता लगा कि साड़ी मुर्शद दी आल आई है, साड़े मुर्शद दी आल आई है, ते जाके हजूर नो दावत दी कि हजूर साड़े घर भी तशरीफ ले आया जी। सरकार ने फरमाया चलो, लेकिन आपने मना किया, फरमाया भी कोई ताज़ा खाना नहीं बनाना, जो हैगा असीं खा लांगे, ते खेचल ना करिया जी, मैं तुहानूं मुख सर दसना खेचल ना करिया जी। चौरी सराज दी सरकार दे नाल ते दाल पकी सी, दाल पकी ते सरकार प्याली दे विच सराज दी नूं भी पाती, आप भी सरकार नाले थोड़ी थोड़ी ला के खा रहे ने, ते सरकार ने फरमाया साड़ी धी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया है, बड़ी मजे वाली दाल। हुण सराज दीन सी ना जिहड़ा चौधरी, उन्हें कहा जी सरकार दाल तो एडी को नहीं चाहिए बनी, तो पानी है कच्चा, तो हजूर तुसी फरमा रहे हो बड़ी मजे वाली बनी। सरकार नूं जलाल आ गया, आपने उत्थे तो कोई बात ना की। जिस वक्त बाहर निकले ना तो सरकार ने खूब डांटिया, सरकार ने खूब डांटिया, आपने फरमाया तेरी जुर्त किवें पई तू ये गल करे कि दाल दे विच कच्चा पानी सी, दाल फलां सी, दाल फलां सी, तेरी जुर्त किवें पई। आपने फरमाया तेरी इस हरकत की वजह तो नबी पाक की बारगाह च मैनूं डांट पई कि तू कहड़े बंदे नूं नाल लई फिरदा कि जिन्हों किसी की दिल जोई नहीं पता कि दिल जोई किवें करनी है। यानी ओही औसाफ करीमाना औसाफ गरीब नवाजी वाले औसाफ मेरे करीम आका दी जात ने अपने गुलामां नूं भी अता फरमाए सन कि किसी गरीब की दिल जोई। अज सानू किसी खत्म ते जाइए
एक बोटी ना लबे चौलां च बोटी ना आवे ते खुदा दी कसम छे महीने असी ए न्योंदरे ही पाई जाने अगले ते कर लिया असी ते भुखे आ गए सानू की लबा असी ते इंज हो गया असी ते इंज हो गया ते जे किते महफल दे कोई छापरे च बोटी ना तां परेशानी और मैं इत्थे बड़ी ए लम्हा है फिक्रिया साडे वास्ते हजूरे हसन वाली बात नहीं है रोन वाली बात असी किसी की बच्ची की शादी से जाने असी तीन तीन दिन पहलों ही छड़ देने रोटी खाने कहते वास्ते लै उ न्योंदरा पाना पूरा नहीं करना शर्म आनी चाहिए यार अज तक कभी यह सोचा कि बच्ची वाले की इज्जत का कभी ख्याल किया यार हर थां ते असां छुरियां फड़ियां ने कैंचियां फड़ियां ने वढ़ दिओ टुक दिओ कप दिओ ओ ए औसाफ भी अपने अंदर पैदा करो किसी दे घरों माड़ा पक्के चंगा पक्के खा के ते आखा करो यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनया ये मेरे नबी पाक की सुन्नत है ते केले वाली सरकार जिस वक्त आपने आप नाराज हो गए ए इतनी हरकत की वजह तो चौरी सराज दी ते आप नाराज हो गए और बड़ा अरसा सरकार नाराज रहे खैर किस्सा मुख्तसर वो चौरी सराज दी जिहड़ी बीवी सी ना वो हजूर दी बारगा च आंदी हुंदी सी ते जदों कि सरकार का मूड वेखना ना कि सरकार अज मुस्कुरा रहे हैं या हजूर खुश ने आके कहना सराज दी नूं माफ कर चौरी चौरी नूं माफ कर दिओ सरकार ने फरमाना हाँ असा सोचांगे करांगे एक दिन सरकार ने फरमाया अच्छा साड़ी एक शर्त है फरमाया आपने फरमाया पहले जेड़े नाराज होए ने उन्हां दा की करिए ते ओ चौरी सराज दी बीवी कहन लगी जरूर अगर असीं उन्हां नूं राजी कर लईए जेड़े नाराज होए ने ते आपने फरमाया ठीक लो जी चौरी सराज रईस आजम ये भी तो मेरे किले वाली सरकार की गरीब नवाजी है ना कि ए चौरियां नूं उन्होंने बूहे टोर दिता कि जाओ राजी करके आओ नहीं तो इत्थे किसे पीर दा मुरीद नाराज हो जाए ना चंगा तगड़ा ते पीर साहब आप हुए गया खुदा दी कसम मैं ऐसे लोग भी वेखे मैं ऐसे जड़े फ्रॉडिये पीर भी वेखे ने मुरीद नाराज हो रहे ने पीर नाल लेकिन इधर सरकार ने फरमाया बड़ा तवील किस्सा है लेकिन एंड ते सरकार ने अपने अपने गुलाम नूं ओ मुहम्मदीन गाड़ी नूं फरमाया भी ये लदोवें जी लगे आउंदे ने ते छेती मन्नी ना उंज मन जाई यानी उन्हों भी एहसास दिलाया कि तेरे नाल सानूं मुहब्बत है तेरी असीं दिलजोई करने आ और मैं ये बात वाजे कह दियां महफल तो अगर चावलों का छापर ना लब्बे कभी परेशान ना हो खत्म तो अगर फ्रूट ना लब्बे इत्थे मैं फ्रूट बंद करवाया अद्धे बाबे बंदे नाराज ने मैं कुलां ने छोले बंद कराए ने अद्धे बाबे नाराज ने मेरे ने ओ भाई ये बात नहीं ये तो सानू ये तो चीज़ां उदो मुयसर होंदियां ने जदों बंदा किसी दे लड़ लग जाए ये तरबीयत उदो मुयसर होंदी है जदों बंदा किसी मरदे हक की हाथ दे विच हाथ दे देवे ते किले वाली सरकार ने दस्या है कि ना 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 इत्थे गरीब होवे अमीर होवे फरमाया सारियां दा दर्जा एक जैसा है एवें तो नहीं सरकार ने फरमाया कि जिथे पीर भाई मिल जाए तो समझो कि मेरा पीर मिल गया उनका वजह ये है कि आपने काले चिट्टे अमीर गरीब दी आपने हर चीज दी पहचान खत्म करके सिर्फ इको रखी कि हजूर दे गुलाम दा यार कैसी बात है ऐसा दिल नवाज पीर किले दे आबां के आ चैला जवाना किले दे आबां के आ चैला जवाना गरीबां बे कसां दे आपा सपाना गरीबां बे कसां दे आपा सपाना गरीबां बे कसां दे आपा सपाना किले दे आबां के आ चैला जवाना किले दे आबां के आ चैला जवाना गरीबां बे कसां दे आपा सपाना गरीबां बे कसां दे आपा सपाना गरीबां बे कसां दे आपा।
ਜ਼ਬਾਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੈ ਜਯਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਜਨਿਆ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੈ ਜਯਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਜਨਿਆ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ ਪਰ ਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਪਰ ਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੈ लो जी आखरी बात इनू आज दी गुफ्तगू दा सियाको सबाक समझिया जे आज दी गुफ्तगू दा हासिल समझिया जे हजूर असी साडे कोल सवाए मुहम्मद दे रसूल तो कुछ भी नहीं मुहब्बत रसूल तो सवा साडे कोल मैं तुम शुरू च एक हदीसे पाक सुनाई है ना कि नबी पाक दे सहाबी पुछदे ने यार सुला क्यामत वाले दिन जो निगाहां तुहानू ढूंढणगियां तुहानू उत्थे उहनां नू कोई इस गल की परवाह नहीं होएगी कि सानू जन्नत च मकाम कहड़ा मिलना है मकान कहड़ा मिलना है महल कहड़ा मिलना है हुरां मिलनियां जो भी ना सिर्फ उन्हां दी तवज्जो दा जिहड़ा मरकज़ है ना ओ नबी पाक दा चेहरा होएगा कि किथे केड़ा वक्त होवे ते असीं नबी पाक नूं मिल लईए वेख लईए लो जी आखरी गल असीं बहसियत मुसलमान मैं एक जुमे ते भी ये बात कीती है कि पिछले दिनां दे विच हालांकि मेरा नाम नून लीग नाल तल्लक है मेरा नाम पीपल पार्टी नाल तल्लक है ना तहरीके इंसाफ नाल तल्लक है और ना ही पीपल पार्टी ना तलक है मेरा तलक है नबी दे गुलामा ना तलक है नवाज शरीफ ने एक बयानिया जारी किया फौज के खिलाफ किया चुप कर गए तो मेरे ख्याल नहीं सोशल मीडिया का दौर है फौज के खिलाफ साढ़े जेडे डिफेंस इदारे ने सिविल इदारे ने उन्होंने खिलाफ नवाज शरीफ का एक बयानिया आया हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दिन भी कहा कि फौज साढ़े मुल्क का असासा है अज फौज की वजह तो असं बह के बड़े आराम नाल अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं अज असी सुकून की नींद अपनी फौज की वजह तो सो रहे हैं अज असी अल्लाह तबारक व तआला दे इस दिते हुए तोहफा जिहड़ा साडी फौज है इनकी वजह तो साडियां सरहदां महफूज ने नवाज शरीफ ने बयानिया जारी किया फौज के खिलाफ जेड़े साढ़े डिफेंस इदारे ने एजेंसियां हरकत च आ गई कि नवाज शरीफ ने सानू टारगेट किया बड़े बड़े अजीब किस्म के बयानिया जारी हुए बड़िया बड़िया जड़ा वो धमकियां मिली नून लीग वालों और दाए बाएं बेशक बड़ा एहतराम वाला इदारा है फौज असी उनकी इज्जत करने साढ़े सिर का ताज ने लेकिन मैं सवाल ये करना चाहना अपने जितने भी डिफेंस इदारे ने उन्होंने अगे कि यार आज एक नवाज शरीफ बयान देवे तो इस मुल्क की पूरी एजेंसी हिल जाए कि साढ़े खिलाफ बात हो गई इस मुल्क के डिफेंस इदारे हरकत च आ गए तवज्जो मेरे लिए रखा जे इस मुल्क की तमाम फौज हरकत च आ गई कि नवाज शरीफ ने साढ़े खिलाफ बयान जारी किया मैं कहना कि खुदा की कसम आज नवाज शरीफ एक बयान जारी किया और इस मुल्क के तमाम तर इदारे मुतहरिक हो गए हरकत अंदर आ गए कि हाँ 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 ये नवाज शरीफ एक गद्दार है नवाज शरीफ ये मुल्क के नाल ना इंसाफी कर रहे हैं इस मुल्क का खा के इस मुल्क नूं पौंकदा पिया बड़े बड़े बयानिया जारी होए बड़ा बड़ा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात पहुंचाई गई लेकिन मेरा सवाल है वे आज दे डिफेंस इदारियां दे अगे कि यार अगर एक बयान फौज के खिलाफ जारी होया तमाम इदारे हरकत के अंदर आ गए खुदा की कसम इस मुल्क के अंदर कई गुस्ताख आज तंजनाजे फैल रहे हैं कोई इदारा हरकत के अंदर नहीं आ रहा कोई एजेंसी हरकत के अंदर नहीं आ रही वजह की है यार अपनी
اپنی عزت کیا زیادہ عزیز ہے تو اپنی وردی کیا زیادہ عزیز ہے جڑی ایک نہیں دو نہیں چار پانچ چھ سال بعد اتر جائے گی ختم ہو جائے گی وزارت چلی جائے گی اس اللہ دی بادشاہی سجا رہے گی لیکن ایک سوال کا جواب تسی دیو کہ کیا تہاڈی عزت میرے آقا دی عزت نالوں زیادہ ہے کہ تہاڈی عزت امام علی مقام نالوں زیادہ ہے کہ تہاڈی عزت بلال حبشی نالوں کیا زیادہ ہے او یار سوال اے وے اگر نواز شریف بیان دے وے اس ملک دے ادارے حرکت وچ آ جان تے کوئی گستاخ میرے آقا دے بارے بکواس کرے تے پھر اسی کہنے ہاں قانون ہاتھ وچ کی لیا سب سوتے نے میرا اے پیغام دے دیو موجودہ حکومت نوں کہ نبی دا عاشق ہون واسطے بندے دا غیرت مند ہونا ضروری ہے میں اس تو اگلے الفاظ نہیں کہاں گا کہ حضور دا اگر عاشق بننا ہے حضور نال اگر محبت کرنی ہے عشق کرنا ہے تو اوندے واسطے بندے دا غیرت مند ہونا بندے دا غیرت مند ہائے ہائے بے قدراں او کچھ قدر نہ جاتی تے کیتی خوب تسلی بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی تے کیتی خوب تسلی دنیا دار پجاری زر دے دنیا دار دنیا دار پجاری زر دے تے کتیاں دے گل اٹلی دنیا دار پجاری زر دے تے کتیاں دے گل اٹلی قدر نبی دا ایک ہی جانن تے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے وچ مدینے قدر یوسف دا معلوم ہویا تے بھائیاں مصر گیا لو قدر نبی دا معلوم ہو سی تے قبراں وچ پیا لو اللہ سانوں قلب سلیمی عطا فرمائے اور قلب لدیخ بھی عطا فرمائے کہ موت دے وقت اے اکھا مصطفیٰ نو ڈھونڈ دیا ہوں اللہ پاک رب ذوالجلال اپنے حبیب دے صدقہ میری اے حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور میں ہوں بلا تمہید اور بلا مبالغہ بلا شاہ صاحب نو دعوت دیاں گا او اپنی خوبصورت آواز تہاڈے سماعتاں دی نظر کرن اللہ پاک رب ذوالجلال قبلہ شاہ صاحب دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرمائے